एंड हीट वेव के बारे में देखिए, जहां पर भी हीट वेव की इस तरह से घटनाएं पहले से होती रही हैं, तो बहुत लोगों को बहुत आसानी से मालूम है कि हीट वेव या लू क्या होती है। लेकिन अभी पिछले कुछ सालों के अंदर ऐसी स्थिति हुई है कि जहां पे हीट वेव जैसी स्थितियां नहीं होती थी, वहां पे हीट वेव होने लगी है। और जो हमारे यंग मेंबर्स ऑफ सोसाइटी हैं, यंग मेंबर्स ऑफ फैमिली हैं, जिनको थोड़ा सा अंदाजा कम होता है कि ये लू या हीट वेव कैसे होती है, उनके लिए जानना थोड़ा ज्यादा जरूरी है। क्योंकि कई बार लोग ऐसा बात करते हैं कि मुझे पेट में दर्द हो रहा है, या मुझे अचानक से हेडेक हो रहा है, या मुझे अचानक से वॉमिटिंग फील हो रही है, या मुझे फीवर फील हो रहा है, वीकनेस फील हो रही है। उन्हें अंदाजा नहीं होता है कि वो हीट वेव के शिकार हुए हैं, हीट वेव से उनका एक्सपोजर हुआ है, या बाहर की जो स्थितियां हैं वो हीट वेव की हुई हैं। कई बार हम इस चीज को नहीं समझ पाते हैं। तो ये मुद्दा बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि लोग जाने कि हीट वेव की स्थितियां किसको कहते हैं, और अगर ऐसी चीज होती है तो वो उसको तब रिलेट कर पाएंगे कि हीट वेव का उनको प्रभाव हुआ है। तो हीट वेव के बारे में एक यही देखें कि जो असामान्य रूप से जब गर्मी बढ़ जाए, असामान्य रूप से जब बहुत तापमान बहुत बढ़ता है। अब असामान्य भी एक ऐसी चीज होती है कि जिसको हर व्यक्ति अलग अलग तरीके से समझेगा। तो असामान्य का मतलब हम कई बार कहते हैं कि 5 डिग्री लगभग, जो यहाँ का जो औसत टेम्परेचर माना जाता है कि भाई अगर हम कहते हैं कि दिल्ली में लगभग इस सीजन में ये टेम्परेचर लगभग जो है वो 44 डिग्री के आसपास होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन वो टेम्परेचर 48 डिग्री 49 डिग्री हो जाए, तो जो वहां का जो जो औसत तापमान है जो उस समय का होना चाहिए, उससे जब 5 डिग्री बढ़ जाए, तो इस स्थितियों को हम साइंटिफिकली हीट वेव कहते हैं। अब ये बात इसलिए भी आती है क्योंकि पहाड़ों में दूसरी दूसरी एक डेफिनेशन ये भी है कि 45 डिग्री के ऊपर जो तापमान चला जाए उसको भी हीट वेव कहते हैं। तो ये दो तरीके की परिभाषाएं आती हैं। एक प्रश्न उठेगा कि ये दो तरीके की परिभाषाएं क्यों हैं। परिभाषाएं इसलिए हैं कि एक तो कि 45 डिग्री के ऊपर जब जाती है, जब टेम्परेचर हो जाए हवा का और वायुमंडल का, और जो जो हमारा जो लैंड सरफेस है वहां पे टेम्परेचर बढ़ जाए 45 से ऊपर, तो वो हमारे लिए खतरनाक इसलिए हो जाता है कि हमारी जो बॉडी है, हमारी बॉडी उसको सस्टेन करने में बड़ी दिक्कत होती है। हमारी बॉडी जो है वो जितने टेम्परेचर को सहन करती है उससे वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है, और हमारे जो जो थर्मो रेगुलेटरी सिस्टम है उसके ऊपर बहुत प्रेशर पड़ना शुरू हो जाता है। फिर आप बोलेंगे कि जो दूसरी डेफिनेशन है कि 5 डिग्री बढ़ जाए वो क्यों है, वो इसलिए है कि मान लीजिए शिमला जैसी स्थिति जगह है, या कश्मीर जैसी जगह है, या जैसे कनाडा है जहां पे आधे साल बर्फ ही रहती है। तो ऐसी जगहों में भी कई बार ऐसा होता है कि जहां टेम्परेचर औसतन 20 डिग्री, या औसतन हो सकता है 15 डिग्री उन दिनों रहना चाहिए, लेकिन औसतन अगर 15 डिग्री रहना चाहिए और वहां पे वो 19 डिग्री 20 डिग्री हो गया, तो वो हीट वेव की स्थिति मानी जाती है। क्योंकि वहां के लोगों का जो जो शरीर है और जो परिस्थिति के हिसाब से जो अनुकूलन है उसमें बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि 15 डिग्री के हिसाब से, रहने के हिसाब से, हम खाना पीना कपड़े सब चीज का हमारा होता है, और वो अचानक से वहां पे 20 डिग्री हो गया तो हम उसको सस्टेन नहीं कर पाते। तीसरी बात ये है कि जो हीटवेव की जो डेंजर है, वो डेंजर कैसे बढ़ जाता है, उतने ही तापमान में अगर जो आर्द्रता है वो कम है, ह्यूमिडिटी कम है, तो उतना खतरा कम होता है। लेकिन अगर आर्द्रता और बढ़ जाए, क्योंकि जब आर्द्रता बढ़ जाती है तो हमारा हमारा जो स्वेटिंग है वो कम हो जाती है, क्योंकि वायु में दबाव होता है, वायु में आर्द्रता होती है, तो हमारा जो वाटर का इंटेक है, जो जो थर्मो रेगुलेटरी सिस्टम के साथ साथ हमारा जो हाइड्रो रेगुलेटरी सिस्टम है उसके अंदर भी बड़ा चैलेंज पैदा हो जाता है, और एक नए तरीके का प्रेशर हमारा शरीर झेलता है जिसमें तापमान बढ़ा हुआ है और साथ साथ आर्द्रता भी ज्यादा होती है। तो इसीलिए आप देखेंगे कि जब बादल की स्थिति होती है और आर्द्रता बढ़ी होती है, उस समय बहुत ही ज्यादा डिस्कम्फर्ट होता है, और वैसे में अगर हमारा एक्सपोजर हो जाए हैवी हीट के साथ, तो बहुत ज्यादा नुकसान हमारे शरीर को, हमारे हमारे स्वास्थ्य को हो सकता है। अब इसमें इस तरह की बातें आती हैं, अभी भी आपको समाचार पत्रों में और न्यूज चैनल में, टीवी में, एफएम चैनल में, और वैसे भी लोग बताते हैं, हमारे जो गांव में दाई होती है, या जो हमारे ग्राम सहायक होते हैं, या जो हमारे सहेलियां होती हैं जो जो उसमें कार्य करती हैं स्वास्थ्य विभाग में, और बहुत सारे लोग, सभी ये कहते हैं कि पहली चीज है भैया
धूप में जाने से बचें, अगर संभव हो तो आप धूप के समय बाहर न जाएं। तो कैसे करें कि आप ये देख लें कि भाई सुबह सुबह कुछ काम करके आ जाएं अगर वो संभव है, या देर होने के बाद जाएं जब ठंड हो जाए। धूप का मतलब ये नहीं कि सिर्फ लगी हुई धूप हो, कई बार 5-6 बजे भी धूप जब लग रहा है कि इन्हीं धूप तो हल्की हो गई है, लेकिन इसके बाद भी हम निकल गए और हम बीमार पड़ गए। तो तापमान की स्थिति क्या है, जो आर्द्रता की स्थिति क्या है, थोड़ा उसको भी समझ करके हमें करना चाहिए। इसके बाद बाहर जा रहे हैं तो फिर हम क्या चीजें, कपड़े किस तरह से पहनने चाहिए, ढीले कपड़े, सूती कपड़े जो आर्द्रता को एब्जॉर्ब करें, जो उसको सोख ले। मुझे याद है कि कई कई जगह पे जहां पे पंखे और बिजली नहीं होते थे उस समय, काफी वर्षों के पहले मुझे याद है, तो लोग क्या करते थे, कपड़ों को हल्का सा गीला कर लेते थे, तो वो आर्द्रता रखता है, गीला रखता है, और जब हवा चलती है कपड़े, वो हवा लगती है तो वो कपड़े ठंडक प्रदान करते हैं आपको। कई जगह पे मैंने देखा कि लोग बेम्बू के और पत्तियों के, जो सूखी पत्तियों से अपने हैट बनाते हैं, और वो हैट सर पे रखते हैं और उसको पहले रात में भिगो देते हैं, और भीगा हुआ वो जो हैट होता है, जो पत्तियों का बना हुआ, वो आपके सर को ठंडक देता है। तो ये भी जानना कि शरीर के कौन से भाग हैं जहां पर हीट के लिए सेंसिटिविटी ज्यादा है, जैसे हार्ट का, चेस्ट का पार्ट है, आपके कान के पार्ट है, हेड है ना, ये सब चीजें हैं, हाथ की हथेली है, तो ये कुछ ऐसी जगह है जहां पर हीट ज्यादा प्रभावित करती है। उसके बाद जो अंडर आर्म्स है वहां पे हीट अकुमुलेट होती है। तो इन चीजों को समझना कि कैसे हमें हीट प्रभावित करती है। पानी, अगर ठंडा पानी नहीं मिलता है तो जैसा पानी मिले पानी पीना जरूरी है। इन चीजों को रखना, हाइड्रेट करना, अपने आप को पता रखना कि हीट वेव होने वाली है, जो हमारा मौसम विभाग है वो सूचना देता है। इसके बाद बहुत ही साधारण है, ओआरएस की लोग जो बात करते हैं, लेकिन ओआरएस जरूरी नहीं कि आप घर में ही, जब जो आप बाहर खरीद के ही ओआरएस पिए, ओआरएस आप घर में बना सकते हैं। WHO का फॉर्मूला बताया जाता है कि नमक डाल के, और इतना नमक कि आंसू जैसा वो हल्का सा नमकीन महसूस हो, ज्यादा नमकीन ना हो, और हल्की सी उसमें चीनी डाल लें और उसको आप अगर पीते हैं, थोड़ा सा नींबू भी डाल सकते हैं, और भी पेय होते हैं जैसे कि मांड, चावल का मांड होता है, तो इस तरह की बहुत सारी चीजें, छाछ है, नींबू पानी है, और जगह लोकल पेय कई ऐसे होते हैं जो इससे बचाने की कोशिश करते हैं। तो जो जैसे हम कहते हैं ना कि दादी के नुस्खे, या जो 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 हमारे जो वहां के लोगों की जानकारी होती है लोकल लेवल पे, उनको भी ध्यान में रखें, जानवरों को भी बचाएं, क्योंकि वो किसी को बता नहीं सकते उनको किस स्थिति में रखेंगे, पशुओं को, पक्षियों को, और हम पेड़ पौधों के बारे में भी इन चीजों को ध्यान दें। और लू के बारे में हम जितना जागरूक होंगे तो एक तरीके से जागरूकता ही बचाव है, और अगर लू लग गया तो क्या करना है इसके बारे में अगर हमको थोड़ा सा पता हो। कई बार क्या होता है कि बच्चे को नहीं पता है, वो आकर के लेट गया और थोड़ी बात कहता है मुझे तो बहुत तेज बुखार आ गई, या मुझे बहुत सरदर्द हो रहा है, उल्टी हो रही है, बाद में डॉक्टर के पास जाने पे वो 2-4 घंटे के बाद बताता है डॉक्टर, नहीं इसे तो लू लग गई है, इसे तो हीट वेव या हीट स्ट्रोक हुआ है, लेकिन तब वो उस चीज का उपचार उस तरीके से नहीं हो पाएगा क्योंकि उसके साइड इफेक्ट तब शुरू हो जाते हैं। तो अगर तुरंत लू लगती है तो अगर आप बर्फ का इस्तेमाल कर सकें या ठंडे पानी का आप एक्सपोजर दें, ताकि जो तुरंत गर्मी का प्रभाव हुआ है उससे हम बचा पाएं, पहली चीज हम छाए में जाएं, पानी पिएं, और कुछ इस तरीके की चीजें का सेवन करें ताकि हमारा शरीर हाइड्रेट हो जाए और उसकी जो स्वयं की जो बचाव क्षमता है वो काम करने लगे। इसके बाद कई ये भी होता है कि जो हीटवेव का प्रभाव है वो अलग अलग व्यक्तियों को अलग हो सकता है। अगर आप यंग हैं, आप बच्चे हैं, तो बच्चों को प्रभाव कुछ ज्यादा होता है, उनकी जो थर्मो रेगुलेटरी सिस्टम है उसके बारे में। इसके साथ साथ जो वृद्ध होते हैं उनकी सहनशीलता कम हो जाती है, जो प्रेग्नेंट वीमेन है उनके साथ की स्थितियां। तो ये जानना कि किन लोगों का एक्सपोजर कितना है, कितनी हमारी क्षमता है, उसके हिसाब से हमें देखना चाहिए, और उसके हिसाब से हमें अपना कपड़ा, अपने अपने वस्त्र, अपना भोजन, बाहर जाएं तो किस, क्या हम छाते का इस्तेमाल करके जाएं, या हम क्या अवॉइड कर सकते हैं, दोपहर के समय बाहर ना निकले, हम कोई ठंडे स्थान पे रहें, तो उन चीजों को देखना है। जमीन अगर ठंडी है तो उसके पास लेट सकते हैं, लेकिन अगर जमीन गर्म है तो हमें देखना है कि कहाँ पे लेटना है जहां से हवा हमें मिलती रहे लेकिन गर्मी से हम बच सकें। और कैसे हम फर्स्ट एड दे सकते हैं, ये छोटी छोटी बातें हैं जिनके बारे में अगर जानकारी हो, और अगर जरूरत पड़े तो डॉक्टर से कैसे सलाह ली जाए, या डॉक्टर को या एम्बुलेंस को कैसे हम मदद के लिए बुला सकते हैं। तो ये कुछ बहुत बड़ी बातें नहीं है, हैं तो बहुत छोटी छोटी बातें, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि इस साल भी लोगों के स्वास्थ्य को, लोगों के सुरक्षा को हानि हो रही है हीटवेव के चलते। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम चीजों को अनदेखा कर रहे हैं, हम चीजों को नहीं समझ रहे हैं। पहले भी हीटवेव होती थी, अभी भी हीटवेव होती है, लेकिन हीटवेव का प्रभाव अभी कभी बार ज्यादा बढ़ जाता है। मैं एक उदाहरण देता हूं, कई ऐसे कार्यालय हैं, उद्योग हैं या बिल्डिंग्स हैं जहां पे बहुत लोगों ने एसी लगा रखा है। एसी से अंदर का तो ठंडा हो गया, लेकिन बाहर जितनी गर्मी थी उससे ज्यादा एक्स्ट्रा गर्म हो गया।
अगर कुछ लोग वहां पे बैठे हैं या वहां पे जिनका एक्सपोजर है, शायद उनके लिए हीट वेव कंडीशन और खराब हो जाएगी। कैसे इन स्थितियों को देखा जाए और कैसे उनके बैठने की व्यवस्था की जाए, कैसे उनको सुरक्षा प्रदान की जाए, इन चीजों को समझना। जहां बहुत कंजेस्टेड बिल्डिंग्स और कंस्ट्रक्शन होते हैं, छोटे छोटे बिल्डिंग या मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग बहुत सारे बनेंगे, जहां पे आप देखेंगे वहां पे हवा अच्छे से नहीं जा पाएगी, वेंटिलेशन नहीं होगा, तो ऐसी स्थितियों में जो हीट है वो ट्रैप हो जाती है। तो कल की ही ट्रैप है ऑलरेडी, वो नहीं निकल पाई, आज की हीट और बढ़ गई, तो हीट मल्टीप्लाई हो जाती है, ऐसी स्थितियां हीट वेव के प्रभाव को और बढ़ा देती हैं। तो इन चीजों को समझना कि हम कैसे, कूलर अगर नहीं है तो जो खस की या बांस की या और घास घास पात की चीजों से क्या हम एक कूलर जैसी व्यवस्था कर सकते हैं, क्या पंखे की हवा ऐसे बना सकते हैं कि वो ठंड से गुजरे और हमें ठंडी हवा दे पाए। तो इन चीजों को समझना। अगर बिजली भी चली गई, कई जगह ऐसी है कि बिजली बहुत कम आती है या बिजली आती है चली जाती है, बिजली चली गई तो हमने जो वस्त्र ओढ़े हुए हैं, कपड़ा ओढ़ा हुआ है, अगर हम हल्का सा भिगो लें, थोड़ा सा पानी मिल जाए, हल्का सा भिगो लें, हमारे शरीर को ठंडा रखने में मदद करती है। अपने पहनने वाले कपड़े को ही अगर हल्का सा हम पानी छींटे उसमें डाल दें, थोड़ा सा भीग जाए, चेहरे को थोड़ा सा पानी लगा लें, बालों को थोड़ा सा पानी लगा लें, हथेली में थोड़ा पानी लगा लें, इन चीजों को ध्यान दें। और जैसे कि कई बार लोग कहते हैं कि प्याज का इस्तेमाल अगर लू लग गई तो इन चीजों को, क्योंकि वो फास्ट एवोपरेट करता है और वो टेम्परेचर को एवोपरेट कर टेम्परेचर को कम होने में मदद करता है। तो इन चीजों को देखना है। और ये इस तरीके के सिम्टम्स जो हैं वो डॉक्टर जो हैं, जो चिकित्सक हैं, वो बताते हैं, लेकिन ये साधारण सी बातें हैं। हम अगर पहले बचाव कर लेंगे तो हमें बहुत मेडिकल ट्रीटमेंट तक नहीं जाना पड़ेगा। प्रयास हमारा यही होना चाहिए कि हम किस तरह की हीट की स्थितियां हैं तो कैसा हमें नुकसान पहुंच सकता है। कई बार क्रैम्प्स लगते हैं, पेट में बहुत अचानक से दर्द पैदा होता है ना, और कई बार हमने किस तरह का भोजन किया है उसके साथ अगर हीट कंबाइन हो गई तो हमें इस तरीके से स्थितियां हो सकती हैं। दस्त लग सकते हैं, सिरदर्द हो सकता है बहुत ज्यादा, चक्कर आ सकता है उसके साथ, है ना। तो उन चीजों को देख करके पैनिक फील हो सकता है, हाइपरटेंशन, अगर किसी को इस तरह की स्थितियां रही हैं तो उसको एकदम से दौरे जैसे पड़ सकते हैं। तो इन चीजों को जानने की जरूरत है। और अगर हम पहले प्रिकॉशन को समझ लें कि हमें पहले से क्या प्रिकॉशन करना है, और अगर ऐसी स्थिति बनती है तो सबसे पहले फर्स्ट एड क्या देना है, और उसके बाद अगर नहीं होता है तब जाकर के हमें डॉक्टर की सलाह लेने की जरूरत पड़ेगी। ये दो चित्र हैं, आप देख रहे होंगे, पहले भी मैंने इन चित्रों को दिखाया कि एक तरफ देख रहे हैं कि भवनों को ऐसे निर्माण कर दिया गया जो नंबर टू है कि उसमें वेंटिलेशन मिल पा रहा है, लेकिन नंबर एक में देखेंगे कि सिर्फ कॉन्क्रीट ही कॉन्क्रीट है और पूरा फंसा हुआ है, हवा भी निकलने की जगह नहीं दे रहे हैं हम, तो कैसे होगा, है ना। ये बहुत कोई साइंस, बड़ी साइंस नहीं है, लेकिन आपको ऐसे भी भवन दिख जाएंगे कि जहां पर लोग ऐसे घर बनाए हैं और उसके बाद उन्होंने अपने वहां छोटे छोटे पौधे लगाए हुए हैं, कुछ बेलें चढ़ाई हुई हैं, छत के ऊपर बोरी जो है वो जो जूट के बैग हैं उनको भीग करके डाल देते हैं लोग, कई बार वहां पे डाल देते हैं ताकि सीधी धूप ना पड़े और वो पानी को थोड़ा एब्जॉर्ब करके रखती है तो वो थोड़े से ठंडे रहते हैं घर, है ना। फूस की घास की टट्टियां लगा देते हैं। तो इस तरीके से कैसे हम अपने जो परिवेश है उसको ठंडा कर सकते हैं, होम गार्डन की मदद से इस तरीके से और भी चीजें कर सकते हैं। ये देखिए, ये अगर हम कर पाए, अगर हम प्लानिंग कर पाए तो ऐसी व्यवस्थाएं भी की जा सकती हैं, जहां पे हरित भवन की बात आजकल हो रही है, ग्रीन बिल्डिंग की बात हो रही है। तो उदाहरण है, हमारे भारत में भी उदाहरण है, अच्छे उदाहरण है, लेकिन बुरे उदाहरण भी है। हमें पहचान करनी है कि बुरे उदाहरण कौन से हैं, उनको कम से कम करें और अच्छे उदाहरण को हम अधिक से अधिक बढ़ाएं। ये वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के साथ भी काम करेंगे, क्योंकि कई बार जो हीट वेव के बीच में कई बार छोटी मोटी बारिश भी हो जाती है और फिर से हीट वेव बढ़ जाती है। ऐसी स्थितियों में जब ह्यूमिडिटी भी हो जाती है, हम कैसे उसको वेंटिलेटेड रखें, अपने जो परिवेश है, है ना, इन चीजों को ध्यान दें। ये इंडोर गार्डन्स की बात है जो मैं बात कर रहा था, घर के अंदर हम थोड़ा सा ठंडगी कैसे कर सकते हैं। मुझे याद है मैं थोड़े दिन पहले केरल गया था और बड़ा अच्छा सा दृश्य देखा मैंने। एक जो ऑटो वाला है, जो टेम्पो चलाता है, जो सवारी लेकर के जो शेयरिंग पे चलते हैं, मैंने देखा कि उस ऑटो वाले ने अपने ऑटो पे बेल चढ़ाई हुई थी, हरी बेलें चढ़ाई हुई थी और उसने गमले रखे हुए थे। उसने इतने अच्छे से थोड़ा सा वो वेल्डिंग करा करके ऐसा बनाया हुआ था कि छोटे छोटे उसने गमले रखे थे और उसका हरित ऑटो पूरा दिखाई दे रहा था। मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैंने तस्वीर ली थी, मुझे मिली नहीं, नहीं तो मैं दिखाता आज। तो इनोवेशन है, देखिए कि कैसे कर रहे हैं लोग। तो हम अच्छे अच्छी चीजों से हम भी सोचें कि क्या हम अपने भवनों को, अपने परिवेश को थोड़ा ठंडा कर सकते हैं, ग्रीन कर सकते हैं, और हमें हीट वेव से बचाने में मदद करेगा। ये इस तरह के इनोवेशन भारत में बहुत मिलते हैं, हर क्षेत्र में मिलते हैं। ये मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र के कुछ उदाहरण है। आप देखेंगे कि खपच्चियों के बीच में पत्तियां, सूखी पत्तियों को लगा करके हैट बनाया गया है और इस हैट को हम भिगो के अगर रख देते हैं और सर पे लगाते हैं तो छाया भी देता है, लेकिन ये हैट हमारे सर को ठंडा रखता है और इसकी छाया इतनी होती है कि चेस्ट तक हमारे ठंडा रखता है। इन चीजों को देखिए। आप देखिए, ये सुराही बनाई है जो जो
लौकी लौकी जो बॉटल गार्ड होती है, बॉटल गार्ड के अंदर का वो गुदा निकाल करके जो पकी हुई लौकी होती है, जो राइपन्ड वन, उसके अंदर से ये वाटर बॉटल बनाई है, देखिए इसमें, जिसके अंदर पानी ठंडा रहता है, सुरक्षित भी रहता है और काफी देर तक आप दूर तक लेके जा सकते हैं। तो कैसे इनोवेशन हैं उसको देख करके हम सीख सकते हैं, है ना। ये देखिए, आप देखिए कि इस तरीके से अभी घड़े घड़े जो है न, इस तरीके के घड़े आने लगे हैं। इस वर्ष मैं भी इस तरह का एक घड़ा अपने घर पे लेके आया हूँ जिसमें नल भी लगा दे रहे हैं। पहले नहीं होता था तो घड़े टूटने की संभावना होती थी, गंदगी की संभावना होती थी। अभी देखिए बड़े इनोवेशन आ रहे हैं, टोंटी वाले घड़े। पक्षियों के लिए भी पानी रखते हैं, बड़ा अच्छा लगता है, पक्षी आते हैं, आपको थोड़ा अच्छा महसूस होता है, पक्षियों की जान बचती है, उनकी उनके लिए पानी रखने की व्यवस्था कर सकते हैं, दानों की व्यवस्था कर सकते हैं। तो हम बायोडाइवर्सिटी में भी उनके सुरक्षा के लिए कैसे योगदान करें, इस तरह के बहुत सारे पेड़। सबसे ऊपर लेफ्ट साइड में आपको दिखाई देगा, ये छत्तीसगढ़ के अंदर और कुछ जो भाग है बंगाल का, उड़ीसा का, झारखंड का, उन स्थानों पे हम ये जो जो इसको बासी बासी बोरा बासी इस तरीके से कुछ शब्द हैं, इनका इस्तेमाल करते हैं। और देखिए प्याज है, चटनी है, इस तरह का भोजन जो है वो गर्मी के दिनों में शरीर को ठंडा रखता है और शरीर के अंदर कोई उत्पात होने को बचाता है। यही चीजें ठंड के दिनों में आपको ठंड से बचाती हैं। कितना अच्छा जो वैज्ञानिक जो जो ज्ञान है वो हमारा ट्रेडिशनल नॉलेज के अंदर है। ऊपर राइट साइड में आप देखेंगे जो बेल का शरबत है, जो काफी न्यूट्रिशियस भी होता है, दिमाग को ठंडा रखता है, आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है और आपको लू से बचाता है। नीचे आप देखेंगे सत्तू है, सत्तू के साथ कुछ हरी पत्तियां, धनिया और इस तरह की चीजें, पुदीना, ऐसी चीजें मिलाई हुई हैं। कई लोग इसमें थोड़ा सा शहद मिला लेते हैं और वो आपको डिहाइड्रेशन से भी बचाता है और आपको, आपका पेट भी नहीं खराब होता और आप इससे बच जाते हैं। तो इन जो ट्रेडिशनल ज्ञान है हमारा, जो जो हमारा जो पूर्व के लोगों का ज्ञान है, इन चीजों को देख करके हम कैसे इसका उपयोग ले सकते हैं। तो बहुत सारी बातें तो मैंने नहीं बताई, कुछ बातें बताई, लेकिन मुझे लगता है कि ये कुछ बिंदु हैं जिनके बारे में सोच करके, और एक सबसे बड़ी बात मैं बोलूंगा कि कई बार दो बातें हैं जिनको ध्यान रखने की जरूरत है, कि कई बार हम विदेशों के हिसाब से चलने की कोशिश करते हैं। हम सोचते हैं कि गर्मी बहुत है तो हम कम से कम कपड़े पहने और बाहर निकल जाए, बाइक से बाहर निकल जाए बिल्कुल कम कपड़े पहन करके, क्योंकि गर्मी है और हवा लग जाएगी हमें। या कई बार हम नायलॉन के कपड़े पहनते हैं, लेकिन आपको पता है नायलॉन के कपड़े जो होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं और गर्म हो जाते हैं, बल्कि आपको जला देते हैं। और आप कम कपड़े पहन के जाते हैं तो आप सीधे गर्म हवा के संपर्क में आते हैं और आपका खुद का पसीना इतनी जल्दी उड़ जाता है कि वो आपके शरीर को ठंडगी नहीं दे पाता। तो आपको इन बातों को ध्यान देने की जरूरत है कि कैसे हम अपने शरीर को कवर रखें, खासकर जब हम बाहर जा रहे हैं। शरीर के अंदर आप, घर के अंदर आप रहें, आप कम कपड़े में रह सकते हैं, आपको हवा लगेगी, आपको अच्छा महसूस होगा, लेकिन बाहर जाएं तो आप कैसे उसको ढकें, शरीर को, आंखों को, हाथों को, इन चीजों को ध्यान रखना है, चेस्ट को, ताकि आप बच सकें। और दूसरी बात यह है कि खान पान में, कि कोका कोला और ये चीजें, मैं किसी कंपनी के बारे में नहीं बोल रहा, लेकिन जो इस तरह के पदार्थ हैं उनकी बजाय ये जो प्राकृतिक पदार्थ और इस तरह की चीजें हैं जो वेजिटेबल्स से बने हुए, फल से बने हुए, ये चीजें ज्यादा अच्छे देते हैं। तो इन चीजों को ध्यान देना। और तीसरी लास्ट बात, ये आखिरी बात ये कि हीटवेव के शिकार कई बार लोग एक शर्म की वजह से हो जाते हैं। नहीं नहीं मैं छाता लेके क्यों जाऊं, नहीं नहीं मैं सर ढक के जाना मुझे बड़ा शर्म लगता है, मैं तो थोड़ा आधुनिक बन के रहना चाहता हूँ या रहना चाहती हूँ, नहीं नहीं आप मुझे क्या बूढ़ा समझते हो, मैं तो अभी बहुत जवान हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो ऐसे ही जा सकता हूँ, ये इस तरह की भावनाओं से बचें। इस तरह की भावनाएं आपके स्वास्थ्य को खतरे में डाल सकती हैं। कृपया इन चीजों का ध्यान दें, आपके स्वास्थ्य को आप पहली प्राथमिकता दें। तो हीट वेव में आप खुद भी बचें और जब आप इस तरह की सुरक्षा व्यवस्था करेंगे, लेंगे, तो दूसरे लोग भी आपको देखकर प्रेरित होंगे और इस तरीके से समाज में हम एक सही संदेश देंगे और लोग अपने आप को हीट वेव से बचा सकते हैं। धन्यवाद। आगे की कार्यवाही के लिए मैं आगे से अतिशा सूद जी को कहता हूं कि वो आगे की कार्यवाही जारी रखें। धन्यवाद। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने हमारे साथ बहुत ज्यादा रणनीतियां शेयर करी हैं जिससे हम अपने आप को बचा सकते हैं लू से, उष्ण लहर से, और भी किस तरह से हम जो है इसका प्रभाव जो है वो अपने ऊपर कम कर सकते हैं और साथ ही साथ में अपने आसपास भी देख सकते हैं कि दूसरे लोगों को इससे कम से कम प्रभाव हो। अब हमारे पास नेक्स्ट है डॉक्टर अनिल अग्रवाल जी। सर हेल्थ स्पेशलिस्ट है फ्रॉम यूनिसेफ राजस्थान और सर आज हमें बताने वाले हैं कुछ स्पेसिफिक रणनीतियां जो हम इस्तेमाल करके अपने आप को इस लू के मौसम से और इस उष्ण लहर से बचा सकते हैं।